तलवार से काटा केक की फायरिंग, हुआ मुकदमा दर्ज। आइए जानते हैं कि आखिर तलवार से केक क्यों काटा गया और फिर फायरिंग की गई और मुकदमा भी दर्ज हो गया। अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए इंडिया समाचार के साथ। अपनी ज़िंदगी में हर कोई दिखावा करता है, लेकिन दिखावे के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। बर्थडे के नाम पर कुछ युवकों द्वारा दिखावा करना उनको भारी पड़ गया। उनके ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। हुआ यूं कि कुछ युवकों ने बड़े जोशीले अंदाज में एक युवक का बर्थडे मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बर्थडे मनाते समय एक युवक फोर व्हीलर गाड़ी के छत पर केक रख कर तलवार से काट रहा है एवं एक गाड़ी पर चढ़कर हाथ में कट्टा लेकर फायर कर रहा है। वीडियो की पड़ताल की गई तो ये वीडियो ग्राम पंचायत विक्रमपुर पश्चिम बड़की बारी का निकला। ये घटना बुधवार के दिन बताया जा रहा है। जिस दिन ये घटना हुई वो तब दिन बुधवार था। जिस युवक का जन्मदिन मनाया जा रहा है उसका नाम कृष्णा यादव पुत्र अमरनाथ यादव, जो कि निवासी मनियर उत्तर टोला का बताया जा रहा है। मनियर पुलिस ने कृष्णा यादव पुत्र अमरनाथ यादव को गिरफ्तार कर ली है। शेष आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कृष्णा यादव पुत्र अमरनाथ यादव निवासी मनियर उत्तर टोला, शंकर यादव पुत्र मारकंडे यादव निवासी विक्रमपुर पश्चिम बड़की बारी, विनोद यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी गंगापुर के विरुद्ध धारा 336 आईपीसी के तहत 3425 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए इंडिया समाचार के साथ। ये रिपोर्ट है आनंद मोहन मिश्रा की बलिया उत्तर प्रदेश से। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया समाचार। होकर बचा के न तो हंसी में बखेड़ा हो जाए। हाँ बाबू रुक जा रुक जा काटे तो पहले शंकर दिखा के रहे दे था। सर तुम एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ केक काटने का, सर ये पूरा मामला क्या है और कहाँ का ये वीडियो है? सर मनियर थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये ग्राम बड़की बारी है मनियर थाने के अंतर्गत, वहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें एक लड़का जो केक काट रहा है उसका नाम कृष्णा यादव है, उसको गिरफ्तार किया गया है और तलवार भी बरामद की गई है। कृष्णा यादव का ही जन्मदिन मनाने की बात प्रकाश में आई है और फायर करने वाले लड़के को शंकर यादव के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके साथ में एक लड़का जो वीडियो बना रहा था वो विनोद यादव है गंगापुर का। सर ये कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है सर इसमें? इसमें अभी फिलहाल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है जी। और पता किया जा रहा है, हो सकता है कुछ लोग और हो जो वीडियो में ना आए हो, तो जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। सर जिस असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लाइसेंसी है या फिर अभी असलहा बरामद नहीं हो सका है और बरामद होगा तो जानकारी होगी, प्रथम दृष्टया तो अवैध असलाह होती है जी।